अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस बाय शबाना शेख। जायका हाउस में आज हम बना रहे हैं मटन मलाई बोटी। इसमें एक टिप दूंगी आपको मैं रेस्टोरेंट स्टाइल, और इस टिप में ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इस मटन मलाई बोटी को हम बारबेक्यू करेंगे। इसको मैं नॉन स्टिक कढ़ाई या तवे पर नहीं पकाऊंगी, तो इस बकरा ईद पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मटन मलाई बोटी के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम दही, और दही को मलमल के कपड़े में छान देना है ताकि उसका पानी जो है निकल जाए। हमको गाढ़ी दही चाहिए इसमें। और 250 ml का जो पैकेट आता है फ्रेश क्रीम का, हम वो ले लेंगे। 3 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता पेस्ट, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लेंगे, जायफल जावित्री 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून फ्रेश भुना और कुटा ज़ीरा चाहिए। अब हम मटन को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें मैं डाल दूँगी सारे पाउडर मसाले, कच्चे पपीते का पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, दही डाल देंगे, और इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें फ्रेश क्रीम। तो मलाई बोटी को मैंने मैरिनेट कर दिया है, और ये मैंने 2 किलो लिया था मटन पीसेस लिया था मैंने 2 इंच का, ना ज़्यादा बड़ा लेना है आपको ना ज़्यादा छोटा पीसेस लेना है। 2 इंच का आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा बन जाता है, गल जाएगा आसानी से। और इसमें आप फ्रेश क्रीम की जगह घर की जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन उसमें सिर्फ गाढ़ी गाढ़ी जो मलाई होती है वो ही यूज़ करेंगे, और दही का भी पानी निकाल कर आपको इसमें डालना है। तो इसे मैं रखती हूँ रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए। अगर गर्मी है तो इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे आप इसको रख सकते हैं। मलाई बोटी मैरिनेट हो चुकी है और मैं इसे बारबेक्यू कर रही हूँ। तो इस तरह का मैंने स्कीवर ले लिया है, स्क्वायर वाला जो होता है, आप कोई भी ले सकते हैं। और मैंने 6 बोटियाँ इस पर लगा दी हैं, और इसको मैं इस तरह से रख दूँ। तो मैंने सारे स्कीवर पर बोटियाँ लगा दी हैं, और आप यहाँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ तक लगाते हुए, तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे पहले, ये देखिए इस तरफ कलर आ चुका है। तो आप देख लेंगे कि जिस तरफ कलर आ चुका है उसको इस तरह से पलट देंगे। तो 3 स्कीवर्स की इस तरह कलर आ चुका है, तो मैंने इन्हें पलट दिया है। और ये जो है अभी ये कच्ची है, तो इन्हें मैं 5 मिनट के बाद देखूंगी, जब इस तरह का कलर आ जाएगा तो इनको भी मैं पलट दूंगी। ये दूसरी तरफ भी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। तो इसको भी मैं इस तरह से टर्न कर दूंगी। सारे स्कीवर्स मैंने टर्न कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने, और इसमें जो मसाले में हमने बोटियाँ मैरिनेट की थी उसी में से मैं निकालूंगी मसाले, और इस तरह से मैं डालूंगी। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें मसाला डाल दिया, और आपको एक्स्ट्रा मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बोटियों में से ही मसाला निकाल कर इसमें डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी इस तरह से। अब मैं स्कीवर्स को फिर से टर्न करूंगी। ये देखिए ये रेडी हो चुकी हैं। इस तरह से हम टर्न करके देखते जाएंगे, और जो अभी ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हुई है तो इसको मैं इस तरह से ही रहने देती हूँ। जिस तरफ थोड़ा वाइट जैसा लगे तो उसको नीचे की तरफ ही रखना है। और ये जो मसाला और ऑयल मैंने मिक्स किया है, ये सीक्रेट टिप है, रेस्टोरेंट में इसी का यूज़ करते हैं। इसको मैं 1-1 टेबलस्पून लूँगी और इस तरह से डालूँगी।
ये देखिए इस तरह से एक एक टेबलस्पून लेंगे हम और इस पर डालते जाएंगे। तो और बाकी स्कीवर्स को भी हम पलट देते हैं क्योंकि इसमें भी अच्छा सा कलर आ चुका है। इस तरह का ब्राउन कलर आ जाए तो इसे टर्न कर देंगे हम और इस पर भी जो मैंने ये ऑयल और मसाला मिक्स किया है एक एक टेबलस्पून इस तरह से डालेंगे। ये ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। एक एक टेबलस्पून डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ी देर फिर से मैं इसको पकने दूंगी ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे सा कलर आ जाए। तो ये जो दो स्कीवर्स हैं देख सकते हैं आप, ये जो बोटियां हैं इसकी अच्छी तरह से पक चुकी हैं, अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इन्हें मैं डिश आउट करूंगी और इसको कैसे निकाला जाता है स्कीवर्स पर से मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो इसको इस तरह से निकाला जाता है कि कोई भी बुक का आप कार्डबोर्ड ले लेंगे, बच्चों की जो बुक आती है, तो ये कार्डबोर्ड लिया है मैंने, इसको इस तरह से हम रखेंगे और इसको हम प्रेस करके और ये पूरे देखो ये आप देख सकते हैं इस पर आ चुके हैं आराम से। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये इस तरह से आपको रखना है, ये हाथों को अच्छी तरह से दबाना है और ये स्कीवर्स को अपनी तरफ से आप इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए ये आसानी से निकल जाते हैं। बाकी के जो स्कीवर्स हैं थोड़ी थोड़ी देर पर हम इनको ऐसे इस तरह से टर्न करेंगे और देखेंगे जब अच्छा सा कलर आ जाएगा। जिस तरह से मैंने अभी दो स्कीवर्स रेडी किए हैं, जब ये रेडी हो जाएंगे तो इनको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। सारी मलाई बोटी हमारी रेडी हो चुकी है, मैंने डिश आउट कर मलाई बोटी रेडी हो चुकी है, मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही टेस्टी है और खुशबू तो इतनी अच्छी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये चाट मसाला मैं डाल रही हूँ ऊपर से, अगर आपको पसंद है तो ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए और इसे घर वालों को बनाकर ज़रूर दीजिए। ग्रीन चटनी मैंने आपको रेस्टोरेंट स्टाइल सिखाई है, वो अगर बना लेंगे तो इसके साथ इसका मज़ा और भी बढ़ जाएगा। प्याज के लच्छों के साथ और नींबू के साथ इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।